हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आनंद। आज हम करेंगे साइंस फॉर जूनियर क्लास फोर्थ का चैप्टर टू, और ये है चैप्टर टू का पार्ट टू। ठीक है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो उसको देखना और फिर इसको देखना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर कट होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम देखते हैं पार्ट टू में। तो पार्ट वन में हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उन्हें कवर करा था, तो अब हम उन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना पार्ट टू शुरू कर। तो पिछली वीडियोस में हमने कवर करा था कि जो बहुत सारे प्लांट्स हो गए थे, तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लांट्स की कैटेगरी को सेग्रीगेट कर दिया, और उन्हें सेग्रीगेट कर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में और एक्वेटिक प्लांट्स में रख दिया। तो अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा तो था पिछली वीडियो में भी, बट उसमें हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे, इंपॉर्टेंट उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स अंडरलाइन करे थे, तो वो भी देख लेना। बट अभी हम यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, तो हम इस वीडियो में इनके और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब हम इनके और डिटेल्स में जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में जानने को मिलता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, व्हाट आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? तो देखो, जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट लैंड पे ग्रो करते हैं, हम उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। अब बहुत टाइप के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रहते हैं उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि लैंड पे अगर एकदम प्लेन लैंड है तो वहाँ पे भी आपको प्लांट्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल प्लांट का मतलब कि लैंड पे ही ग्रो, ऐसा नहीं है। हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लांट अलग अलग जगहों पे उगते हैं। जैसे कि डेजर्ट में हमें दिखता है कैक्टस, माउंटेन एरियाज में हमें जैसे क्रिसमस ट्री उस टाइप के ट्रीज दिखते हैं लैंड। और अभी हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ देखने को मिलता है प्लांट इन माउंटेन। तो प्लांट इन माउंटेन से हमें क्या पता चलता है कि जो माउंटेन एरिया में प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हमें इस टॉपिक से हमें यही पता चलता है। ठीक, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, पहले तो आप इसे अंडरलाइन करो, ये वाला जो लाइन अंडरलाइन करी है, इसका मतलब है कि देखो प्लांट्स जो हमें माउंटेन एरिया में मिलते हैं वो एकदम सीधे होते हैं, एकदम लंबे लंबे और सीधे सीधे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे कि मैं आपको इमेज में भी दिखाती हूँ, यहाँ पे जो मैं पिक्चर दिख रही है, देखो कितना लंबा ट्री है, और ये तो क्रिसमस ट्री जैसा ही दिख रहा है ना। तो ये एकदम लंबा सा है और एकदम सीधा खड़ा है। तो ऐसे ही ट्रीज, जैसे क्रिसमस ट्री का भी आप एग्जांपल ले लो। और ना मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है, मैं आपको बताती हूँ। क्रिसमस ट्री ऐसे होता है हमारा, है ना, या मान लो आप लोग इस टाइप से होता है हमारा क्रिसमस ट्री। ठीक है, तो क्यों होता है वो इस टाइप का? क्योंकि ना वहाँ पे इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, क्यों होते हैं, मैं आपको इसी पिक्चर का एग्जांपल दे देती हूँ। क्योंकि ना वहाँ पे स्नो गिरने होती है ठंडियों में, तो वहाँ पे स्नो गिरे और स्नो की हैवी मतलब स्नो इतना भारी होता है स्नो, तो उसकी हैवीनेस से हमारा जो ट्री है, हमारे जो ट्री की ब्रांचेज है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से ये इस टाइप के शेप में रहता है, स्लांटिंग। और ना जब इस पे स्नो गिरती है तो वो स्नो नीचे गिर जाती है, इससे फिसल कर स्नो नीचे गिर जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्रांचेस हैं उन पे भार नहीं पड़ता है और हमारे ट्रीज की ब्रांचेस ख़राब नहीं होती हैं, है ना, कितने इतना साइंटिफिक है। तो इसीलिए हमारे जो ट्रीज के, हमारे जो आपको लंबे लंबे ट्री दिखे ऊपर से ऐसे ऐसे हो, तो आप समझ जाना कि वो माउंटेन एरिया वाले ट्रीज हैं। ठीक है, और इनकी एक और बात होती है कि इनकी एकदम नीडल जैसी, एकदम सुई जैसी होती है लीव्स। ठीक, और ये इन्हें हेल्प करता है ये, इस देखो मैंने बताया ना कि स्नो बहुत इजीली स्लिप ऑफ हो जाती है, और यही हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देखो ये हमें हेल्प करती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि जो हमारी स्नो है वो स्लिप ऑफ हो जाती है ईजली, और इसी वजह से यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाते, इतनी हैवी कोल्ड में भी और इतनी हैवी स्नोफॉल्स में भी वो जी पाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं प्लांट्स इन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं इन डेजर्ट एरिया, देखो डेजर्ट एरिया में पानी बहुत कम होता है, पानी बहुत कम होता है, मतलब बारिश होगी एक साल में एक बार, ऐसे होता है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं,
जो वहाँ के प्लांट भी बहुत चालाक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के प्लांट माउंटेन एरिया के प्लांट बहुत चालाक है, इसी टाइप के हमारे डेजर्ट के भी प्लांट जो है बहुत चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट तो कम ट्री ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ के जो ट्रीज या प्लांट जो भी आप कह लो, वो क्या करते हैं, नीचे का जो बचा हुआ बहुत ज़मानों का पानी होता है वो उससे खींच खींच के मिनरल्स लेते हैं और ये सब करते हैं, और उससे पानी अपनी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, कुछ प्लांट्स तो होते हैं उनकी आपने देखा होगा, आप कार्टून में भी देखते हो कि होगी कॉकरोच टाइप के कार्टून होते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि बहुत ऐसे जो ट्री है उसका बहुत मोटा सा ये ट्रंक या जो भी कह लो ये होता है, और इसमें वो पानी स्टोर करते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं वो इसमें पानी स्टोर करते हैं, वो इसलिए इसमें पानी स्टोर करते हैं जिससे कि उनको इन फ्यूचर कभी काम आए, जैसे बारिश हुई उन्होंने लाइक ये हमारा है, ठीक है, अब कभी बारिश हुई तो उन्होंने क्या कर लिया, रूट से पानी निकाल कर उन्होंने इसमें पानी, रूट से पानी निकाला और अपनी जो है उसमें भर लिया, ठीक है, जो हमारी ट्रंक है उसमें उन्होंने पानी को फिल कर लिया, स्टोर कर लिया, अब उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ रही है वो यूज़ कर करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। देखो वहाँ पे पानी नहीं होता है, बहुत कम ज़्यादा रेन होती है, तो इसी वजह से वहाँ की लीव्स भी नहीं होती है और वो खाना भी नहीं बनाती, उन वहाँ पर क्या होता है, कांटे होते हैं, स्पाइंस मतलब कांटे, ठीक है, स्पाइंस होते हैं, जैसे कि कैक्टस प्लाम, ठीक है, कैक्टस प्लांट, बिटर बुश और सम प्लांट्स जो वहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है, इनकी कोई लीव्स नहीं होती है, इनकी बस स्टेम पार्ट होता है, और बस ये प्लांट जो होते हैं ग्रीन ग्रीन होते हैं और जो इन्हें हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है, जो इनके स्टेम होते हैं इज़ ऑल्सो फ्लैशी, ठीक है, देखो जो इनके स्टेम होती है, ये जो स्टेम होती है बहुत फ्लैशी फ्लैशी होती है, जैसे मैंने बताया ना कि ये अपनी स्टेम में भी, अपनी ट्रंक स्टेम इन सब में भी ये, हाँ स्टम स्टेम 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 में भी ये अपने बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं, और अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो ये अंडरग्राउंड से पानी ले लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्लांट एंड मैशी, प्लांट एंड मैशी मार्श मार्शेस का मतलब होता है कोई भी एरिया जो सी साइड है, ठीक है, सी साइड है, जैसे यहाँ पे पानी है, ये सी है, लाइक वेट, ये एक एरिया है, ओके, ये मैंने बहुत बड़ा सा एरिया बना लिया है। अब इसमें से ये देखो, इतना पूरा जो है पार्ट ये है पानी वाला एरिया, और इधर है बीच, तो ये जो किनारा है, ये जो बीच साइड है, इसको हम मैशी एरिया कहते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो सी शोर के साइड मतलब सी के किनारे जो या फिर रिवर, ठीक है, सी इन सब के किनारे जो वेट एरिया होता है, ह्यूमिड एरिया होता है, जहाँ पे क्लेई सॉइल होती है, क्लेई मतलब जिससे क्ले बनाया जा सकता है, ठीक है, मिट्टी मिट्टी वाली सॉइल होती है, वहाँ पे हमें इस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, मैंगो प्लांट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें ये देखो, आप इस पूरे को मतलब लगभग लगभग क्या इस पूरे को अंडरलाइन कर लो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये देखो ये पूरा का पूरा, इतना पूरा आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। एज द सॉइल कवर्ड विथ वाटर, देखो जो यहाँ पे ये जो सॉइल होती है वो हमेशा लगभग लगभग वाटर से कवर रहती है, तो जो इनके रूट्स होते हैं वो उनमें एयर नहीं जा पाती है और वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वहाँ पे दे गो आउट ऑफ द सॉइल, और देखो वो पानी और सॉइल से ही पूरा जो है हमारा बन जाता है, और इनकी जो रूट्स होती है आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, तो इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ करती हैं, लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन, वेट देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ना जो ये प्लांट्स होते हैं ना, ये पूरे ग्रो होते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी और पानी के हिसाब से ग्रो होते हैं, मतलब पानी की मदद से और सॉइल की मदद से ही ग्रो होते हैं, बाकी उन्हें जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है वो सब वो बाहर से ही लेते हैं, उनकी रूट्स में ज़्यादा मतलब पानी नहीं जाता है, तो उनकी जो रूट्स होती है ना वो मतलब देखो यहाँ पे उनकी जो रूट्स होती है वो सांस लेने के लिए बाहर निकल आती हैं,
उनकी जो रूट्स है वो सांस लेने के लिए बाहर आ जाती है, क्योंकि सॉइल में तो इन्हें पानी हवा मिलती नहीं है, तो इसलिए वो बाहर हवा लेने आ जाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ब्रीथिंग रूट्स भी कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्लांट एंड हॉट, या फिर अब ऐसा करते हैं इधर से जो हमारा जितना भी पार्ट है इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया वीडियो, और इन दोनों के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने एक्वेटिक टॉपिक पे, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। और या अब हम आपको मिलते हैं अपने पार्ट 3 में, चैप्टर हम बहुत ही ईजिली कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट में ईजिली पूछ सकते हो, इट्स ऑल फ्री। एंड या आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, हम ज़रूर से आंसर करेंगे। बाय बाय।